दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हर कोई अच्छी तरह से जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के बाद जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूती दी है और अपनी धाक बनाई है वह विराट कोहली ही है। विराट कोहली ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश के सभी लोगों का दिल जीत लिया है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के दिल में इन्होंने एक अलग जगह बनाई है। देश के सभी लोग विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं। 5 नवंबर 1988 को जन्मे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और शानदार क्रिकेटर विराट कोहली 33 साल के हो चुके हैं। विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का बिग बोन भी कहा जाता है क्योंकि वह दाएं हाथ से खेलने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और सबसे प्रतिभाशाली और होनहार क्रिकेटरों में से एक हैं। विराट कोहली अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। विराट कोहली के स्टाइल और उनकी बैटिंग के करोड़ों प्रशंसक हैं, खासकर लड़कियां इनकी दीवानी हैं। परंतु विराट कोहली अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। बता दें कि अनुष्का शर्मा को दुल्हन बनाने से पहले विराट कोहली का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ चुका है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विराट कोहली की कथित गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तमन्ना भाटिया। विराट कोहली का नाम बाहुबली फेम अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ भी जुड़ चुका है। जब विराट कोहली और तमन्ना भाटिया एक विज्ञापन के लिए एक साथ आए थे तो उस दौरान उन दोनों का नाम उछला था। तमन्ना भाटिया की खूबसूरती पर विराट कोहली फिदा हो गए थे और दोनों साल 2012 में एक दूसरे को डेट करने लगे, परंतु दोनों बाद में अपने अपने कामों में काफी व्यस्त हो गए थे जिसके चलते यह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दूसरा नाम है संजना गलरानी का। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और शानदार क्रिकेटर विराट कोहली का नाम साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हसीनाओं के साथ जुड़ा था और इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक नाम संजना गलरानी का भी आता है। जी हाँ, विराट कोहली संजना गलरानी के साथ टेनिस खेलने और लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद किया करते थे और इन दोनों को ही कई मौकों पर एक साथ देखा जा चुका है। परंतु इन दोनों का यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और यह एक दूसरे से अलग हो गए। तीसरा नाम है साक्षी अग्रवाल का। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री साक्षी अग्रवाल के साथ भी विराट कोहली का नाम जुड़ा था। आपको बता दें कि विराट कोहली का पहला प्यार साक्षी अग्रवाल ही थी, परंतु इन दोनों का यह रिश्ता अधिक समय तक ना चल सका और बहुत ही जल्द इन दोनों ने ही एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लिया था। चौथा नाम है इजाबेल लिटे का। विराट कोहली का नाम ब्राजील की अभिनेत्री इजाबेल लिटे से भी जुड़ चुका है। विराट कोहली की उनसे मुलाकात एक बिजनेसमैन की पार्टी के दौरान हुई थी। वह भारत राज पुरोहित की फिल्म 16 में एक्टिंग करने आई थी और वह फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन के सिलसिले में करीब 1.5 साल रही थी। इसी बीच दोनों के बीच की दोस्ती बॉलीवुड और क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा का विषय बनी रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि दोनों सिंगापुर में डेट करते नजर आए थे, परंतु इन दोनों का रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और यह एक दूसरे से अलग हो गए। पांचवा नाम है सारा जेन का। विराट कोहली का नाम सारा जेन के साथ भी जुड़ चुका है। इन दोनों को कई बार एक साथ पार्टियों में भी देखा जा चुका है, परंतु बाद में सारा के बिजी शेड्यूल के कारण दोनों का रिश्ता टूट गया। छठा नाम है अनुष्का शर्मा का। साल 2013 में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की मुलाकात हुई थी। इस दौरान यह दोनों एक शैम्पू का विज्ञापन कर रहे थे और यहीं से दोनों की डेटिंग शुरू हो गई थी। आखिर में यह दोनों 2017 में विवाह के बंधन में बंध गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बेटी वमीका के माता पिता हैं।